नमस्कार, मैं हूं शिल्पा। बी पॉजिटिव में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मोतियाबिंद। जी हां, उम्र के साथ साथ आंखों पर धुंधलापन छाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात यह जरूर है कि अब इसका इलाज आसानी से हो सकता है। क्या है मोतियाबिंद के लक्षण, क्या है ट्रीटमेंट और क्या है प्रिकॉशंस, आइए जानते हैं मोतियाबिंद। आज का हमारा टॉपिक है मोतियाबिंद और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर वरुण नायक। उनकी जानकारी, उनका इंट्रोडक्शन मैं जरूर करना चाहूंगी। डॉक्टर वरुण नायक हिंदुजा हॉस्पिटल से जुड़े हैं, साथ ही इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थाल्मोलॉजी के एडिटर हैं और पिछले 30 सालों से भी ज्यादा समय के लिए वो काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है टीम 9 के स्टूडियो में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि जैसे कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि हमारी लेंसेस धुंधली होती जा रही है आंखों की, या साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो शायद मोतियाबिंद हमें हुआ है। लेकिन मोतियाबिंद होना क्या कुछ होता है हमारी आंखों के साथ? मोतियाबिंद में ऐसा होता है कि जो लेंस है आंख के बीच में, उसका नॉर्मल काम है रेज को फोकस करना और इमेज को रेटिना पे बनाना। लेकिन उसमें कभी भी अगर धुंधलापन आ जाए, चाहे किसी भी कारण से, तो उसमें इमेज ठीक नहीं बन पाता और हम ठीक नहीं देख पाते हैं। तो मेन लक्षण तो यही है, लेकिन इसके बहुत कारण हो सकते हैं। इसलिए अगर धुंधला दिखे तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे समझ लें कि मोतियाबिंद ही है, जब तक कि उसे कोई आई डॉक्टर एग्जामिन करके कंफर्म नहीं कर दे। जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि लेंस की जब बात करते हैं, हमारे आंखों की लेंस की, तो उसमें प्रोटीन और पानी दोनों एक साथ होते हैं, तो जब मोतियाबिंद होता है तो ऐसा क्या होता है कि इसमें ऐसा क्या बदलाव आता है जिसके कारण हम ठीक से देख नहीं पाते हैं? उसमें मोतियाबिंद में एक तो जैसे डायबिटीज है, उसमें पानी ज्यादा भर जाता है, या जो प्रोटीन है उसका कुछ कैरेक्टर बदल जाता है, तो इन कारणों से उसमें जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो नहीं होती और वो ओपेक हो जाता है। जी जी, हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। दादर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते मुकेश। Hello. आपका सवाल पूछिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी मेरा नाम मुकेश शाही है, मैं दादर से बोल रहा हूँ। जी मुझे डॉक्टर साहब से टोटल 2 क्वेश्चन करना है। एक मुझे अपने बारे में पूछने का, एक अपनी ग्रैंड मदर के बारे में पूछना है। जी मुकेश। सबसे पहले मुझे अपनी ग्रैंड मदर के बारे में ये पूछना है। मेरी ग्रैंड मदर का एज है 75, मतलब इतना भी ओल्ड नहीं दिख रहे, फिर भी 75 उनका एज है। जी। और मेरी ग्रैंड मदर के बारे में मुझे ये पूछना था कि ना, उनके मतलब दोनों आंखों से मतलब पानी बहुत चूते रहते हैं, तो फिर मोतियाबिंदों के लक्षण है कि ना, अभी तक डॉक्टर ने हम लोगों को क्लियर बताया नहीं है। जैसे कि हम लोग नानी का ट्रीटमेंट अभी केम हॉस्पिटल में चल रहा है, तो फिर मोतियाबिंदी का लक्षण हम लोग किस तरह से पहचानो? और सेकंड मुझे अपने बारे में पूछना है, मेरा एज है 17, मुझे मैंने लेंस लगाया हुआ है, मतलब वो जो लेंस निकालते हो, जो लगाते ना, वो वाला लेंस लगाया है। उसका प्राइस है 1050, वो मैंने लिया था। तो बाद में मुझे सिर्फ डॉक्टर साहब से इतना पूछना है कि ना, जो मैं वो लेंस लगाने के बाद मेरे आंख हमेशा लाल लाल हो जाते हैं, इसलिए मैं वो लगाना छोड़ दिया, तो ये आंख लाल क्यों होते थे? ठीक है, आपके सवाल जो है हमारे समझ में आ गए, हम जवाब जरूर लेंगे। पहला सवाल उनकी दादी माँ से जुड़ा हुआ था, 75 साल की, आंखों से लगातार पानी निकलता है, तो क्या ये मोतियाबिंद का लक्षण है? नहीं, पानी निकलना मोतियाबिंद का लक्षण नहीं है। और इसके लिए एक रास्ता होता है जो आंख में, जो आंख के से लेकर वो नाक में जाकर और गले में खुलता है। जी। तो उसकी जांच करवानी चाहिए। जी। और जहां तक मोतियाबिंद का सवाल है, अगर उन्हें साफ दिखता है, देखने में कोई तकलीफ नहीं होती है, तो शायद वो मोतियाबिंद नहीं है। लेकिन आंखों के डॉक्टर से वो जांच कराएं तो उसे बेहतर पता चल पाएगा कि क्या है। जी, और उनका खुद के लिए जो सवाल था वो ये था कि मैं लेंसेस, शायद सॉफ्ट लेंसेस यूज करते हैं, फैशन लेंसेस यूज करते हैं, आंखें जलती है, तो इससे भी मोतियाबिंद के आगे जाकर बढ़ सकता है? नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, ये कॉन्टैक्ट लेंस की वो बात कर रहे हैं, उससे मोतियाबिंद तो नहीं बढ़ता है, लेकिन जो वो तकलीफ बता रहे हैं कि उनकी आंखों में लाली रहती है, वो उससे हो सकता है, क्योंकि कभी कभी कॉन्टैक्ट लेंस मटेरियल सूट नहीं करता है, या जो उसको, जिस सॉल्यूशन से उसको क्लीन किया जाता है, वो उसको सूट नहीं कर रहा है, तो और उनको एलर्जी है उससे, तो उन्हें जाकर फिर भी किसी डॉक्टर से दिखाना चाहिए कि वो सॉल्यूशन ठीक यूज कर रहे हैं या कॉन्टैक्ट लेंस उनको सूट कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो शायद वो इसे यूज नहीं कर सकते। तो मुकेश को हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि आपके परिवार के दोनों सदस्य के लिए कोई भी तकलीफ यहाँ पर नहीं है मोतियाबिंद को लेकर। एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, नासिक से मूल चंदानी। नमस्ते। नमस्ते मैडम जी। हाँ, मेरा क्या है, मैंने एक आपका ऑपरेशन ऑलरेडी किया है जी, और दूसरा वो लेफ्ट साइड का वो उसका विजन 0 है जी। बाद में अभी मेरा दूसरा आंख है, उस मेरा
कि वो चल रहा है, लेकिन उसको कभी कभी धुंधला हो जाता है, पैसा दिन भर पड़ जाता हूँ, उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, आपका सवाल एक बार दोहराएंगे आप, आपका जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है इसमें तकलीफ है या दूसरे आंख में तकलीफ? तकलीफ नहीं है, पहले जो ऑपरेशन किया था ना जी, जीरो विजन है, विजन कुछ नहीं है जी जी। हाँ, दूसरे आंख का उससे डॉक्टर ने बोला था शायद हो सके आपको इसमें मोतिया आ जाएगा, लेकिन मेरे को मोतियाबिंद आज तक वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया, उसका अपना अंदर रेटिना में कुछ जी। आपको आपकी बात समझ में आ रही है, डॉक्टर साहब से हम जानकारी लेना चाहेंगे। जहां तक उनके जिस आंख का ऑपरेशन हो चुका है उसमें कोई नजर नहीं है, तो शायद रेटिना खराब है, और जो उनके डॉक्टर ने बताया होगा कि क्यों इस आंख में नजर नहीं वापस आई है ऑपरेशन के बाद, क्योंकि अगर ऑपरेशन सिर्फ मोतियाबिंद ही अगर नजर कम होने का कारण है तो कोई कारण नहीं है कि ऑपरेशन के बाद नजर नहीं आए, या अगर ऑपरेशन के समय कुछ तकलीफ हो गई तब दूसरी बात है जी। अच्छा, जहां तक उनकी दूसरी आंख का सवाल है जिसमें ऑपरेशन नहीं हुआ है, उसमें जैसा हमको यह समझ में आया कि वो बता रहे हैं कभी कभी कम दिखता है, वैसे उनको ठीक दिखता है जी। उस हालत में शायद उनको मोतियाबिंद इसमें भी नहीं है ऐसा लग रहा है जी। और जब होगा तो अभी, लेकिन एक चीज हम उनको जरूर सलाह देंगे कि वो किसी आंख के डॉक्टर से फिर दिखाएं, और ये अभी चूंकि रेटिना का एग्जामिनेशन हो सकता है, जब मोतियाबिंद बढ़ जाएगा तो उस समय रेटिना का एग्जामिनेशन करना मुश्किल है, तो अभी वो चेक करवा लें कि उसकी इलाज की जरूरत तो है या नहीं जी। बिल्कुल। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, उल्लास नगर से है, नमस्ते। नमस्ते जी, सवाल पूछिए अपना। मैम, मेरी बेटी को बचपन से स्क्रीन का प्रॉब्लम है जी। तो मैंने डॉक्टर्स को दिखाया है, उन्होंने बोला है कि पैचिंग वगैरह करने से वो ठीक हो जाएगा, इफ अगर वो पैचिंग वगैरह करने से नहीं ठीक होता है तो ऑपरेट करने से क्या ठीक हो सकता है? जितना जी स्क्विंट के बारे में इनका सवाल। हाँ, देखिए जो स्क्विंट है, अगर उसमें चूंकि डॉक्टर ने बताया है कि एक आंख को की पैचिंग करनी पड़ेगी, इसका मतलब है कि उनकी एक आंख लेजी हो गई है जी। और पहले उस लेजीनेस का थोड़ा इलाज करने के बाद स्क्विंट फिर से ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है जी। तो उसके लिए फिर से उन्हें किसी डॉक्टर की इलाज सलाह की जरूरत है, और इनको इसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि अगर बच्चा बड़ा हो जाए तो शायद उसका इलाज करने पे पूरा फायदा वापस नहीं हो सकेगा जी। यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी, इससे पहले जो सवाल आया था उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि कुछ रेटिना से जुड़ा हुआ शायद बीमारी है वगैरह वगैरह, तो कई लोगों को पता नहीं कि रेटिना क्या है, कॉर्निया कहाँ पर होता है, लेंस कहाँ पर होता है, तो क्या इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप देंगे दर्शकों को? जैसे रेटिना अगर आप कैमरा से कंपेयर करते हैं तो सबसे पीछे जहां फोटोग्राफिक फिल्म लगाते हैं फिल्म, तो वो रेटिना है, उसी पे उसका इमेज बनता है। लेंस जैसे कैमरा, नॉर्मल कैमरा में बीच में लेंस होता है, वही कैटरेक्ट वाला लेंस होता है जो बीच में है, जो क्लियर होना चाहिए। और कॉर्निया सबसे आगे का ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर है, वो सबसे आगे होता है वो आगे। लेकिन किसी भी आदमी को ठीक देखने के लिए कॉर्निया भी क्लियर होना चाहिए, लेंस भी क्लियर होना चाहिए, और रेटिना नॉर्मल होना चाहिए, जिससे कि वो इमेज अगर उस पर बने तो वो ब्रेन में ट्रांसमिट किया जा सके। तो जैसे कि कैमरा में जब क्लिक करते हैं और लाइट पास होता है क्लियरली, वैसे ही हमारी आंखें काम करती है? जी हाँ, एकदम वैसे ही काम करती है। लेकिन इसमें एक ये है कि कैमरा में सिर्फ एक रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन जो आंख है वो जस्ट लाइक वीडियो कैमरा, जो कंटिन्यूअस रिकॉर्ड होता रहता है, और उसका इन्फॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचता है और ब्रेन उसे रिकॉर्ड करता है। और खास बात है कि इसका चार्जर कभी भी डाउन नहीं होता है, कभी भी डाउन नहीं होता है। जी बिल्कुल, हम चर्चा करते रहेंगे। खास बात यहाँ पर यह है कि डॉक्टर वरुण नायक ने हमें क्या है कैटरेक्ट, क्या है मोतियाबिंद, इस बारे में तो जानकारी दी है, जो कुछ खास लक्षण है बच्चों में भी कई बार मोतियाबिंद दिखाई देता है, इसकी क्या वजह है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। साथ ही कहा जाता है कि अगर गाजर का रस आप पिए, कद्दू का रस पिए, तो शायद आपको मोतियाबिंद नहीं होगा, क्या इसमें कोई सच है, जानने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद बी पॉजिटिव